नमस्कार जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों आज हमारे पास देख सकते हैं ये 100 रुपये का नोट है और आज इसी 100 रुपया में हम लोग खाने वाले हैं पूरे दिन भर का खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। तो 100 रुपया में देखते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ खाते हैं और क्या कुछ खाते हैं। तो अभी सुबह का नाश्ता करने के लिए हम लोग आ चुके हैं लालपुर चौक से डंगरा टोली चौक के बीच में और यहाँ पे है केसी रॉय मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसके अपोजिट में लगता है एक बेहतरीन धुस्का का दुकान। तो धुस्का जो हमारा झारखंडी नाश्ता है बहुत ही स्वादिष्ट होता है, तो चलिए दिखाते हैं कितने में ये धुस्का खिला रहे हैं और कैसे खिला रहे हैं। और चलिए इनकी मेकिंग देखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और पता करते हैं कि 100 रुपया में क्या आज हम लोग पूरा दिन खा पाएंगे खाना। तो दोस्तों देख सकते हैं सुबह सुबह का समय है, गर्मा गर्म धुस्का बनाया जा रहा है और यहाँ पे भैया है, क्या नाम है भैया? शंकर विश्वकर्मा। अच्छा, शंकर विश्वकर्मा भैया है यहाँ पे। और भैया हम जब से देख रहे हैं रांची में आपका ये धुस्का का दुकान बहुत दिनों से, कितना साल हो गया है? कम से कम 10 साल हो गया। 10 साल हो गया है और यहाँ पे धुस्का बस खिलाते हैं आप। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, रांची का जब मशहूर धुस्का के बारे में जब बात होगा तो यहाँ का नाम जरूर आएगा, इतना मेरा गारंटी है क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत बार खाया हूँ और मेरा फेवरेट दुकान है ये, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। और 2 पीस धुस्का कितना में खिलाते हैं भैया? 15 रुपया। 15 रुपया में? तो 15 रुपया में 2 पीस धुस्का, साथ में गर्मा गर्म चना और आलू का सब्जी मिल जाएगा और हरा हरा सखुआ का पत्ता का दोना में भैया खिलाते हैं, बहुत ही बेहतरीन। तो अभी हम लोग को 2 पीस खिला दीजिए भैया, आज हमारे पास 100 रुपया है, 100 रुपया में हम लोग पूरा खाना खाने वाले हैं रात तक का। तो सबसे सस्ता और अच्छा नाश्ता धुस्का है, हमारा झारखंडी नाश्ता, चलिए हम लोग खाते हैं। तो लगा दीजिए, एड्रेस क्या हो जाता है भैया? केसी रॉय मेमोरियल हॉस्पिटल लालपुर चौक। हाँ, केसी रॉय मेमोरियल हॉस्पिटल बहुत फेमस है, इसी के सामने में भैया का ये धुस्का का दुकान लगता है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना, स्वादिष्ट धुस्का ये बनाते हैं, साथ में ये कौन सा चटनी है? धनिया का चटनी है। तो देखिए 15 रुपया का नाश्ता हमारे पास है, चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना गर्मा गर्म धुस्का है और बहुत ही लाजवाब। रांची में धुस्का तो बहुत जगह खाया है पर इतना बेहतरीन धुस्का कहीं नहीं खाया है और हमेशा मैं यहाँ पे खाने के लिए आता हूँ, आप लोग भी ज़रूर आइएगा। तो 15 रुपये का नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है, अब मिलते हैं सीधे आपसे दोपहर के खाने में। तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं और सीधे मिलते हैं दोपहर का खाना, कहाँ खाते हैं हम लोग। तो दोस्तों अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और हम लोग आ चुके हैं अपना दोपहर का खाना खाने के लिए। अब हमारे पास 85 रुपया बचे हुए हैं जिसमें हमें दोपहर का खाना और रात का खाना खाना है। तो अभी हम लोग हैं डंगरा टोली चौक के पास में और यहाँ पे एक रास्ता जाती है जो कि नया टोली वाले रास्ता है, सेकेंड वाइफ वाली गली कहते हैं इसको। और यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा होटल है जिसका नाम है इक्का होटल, जहाँ पे दोपहर का बहुत ही स्वादिष्ट खाना खिलाया जाता है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमें दोपहर का खाना कितने में मिलता है और यहाँ कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दोपहर को ही खाना खाने के लिए लोगों की भीड़ आ चुकी है और चलिए पूछते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ बनता है और कैसे खिलाते हैं। तो क्या क्या बनाते हैं आप? मछली, अंडा, चिकन होगा। मछली, अंडा और चिकन? हाँ। और सादा चावल कैसे प्लेट है? 50 रुपया। तो दोस्तों यहाँ पे सादा चावल 50 रुपया में मिलता है, तो आज हम लोग सादा चावल ही खाएंगे क्योंकि हमें 100 रुपया का चैलेंज पूरा करना है। 100 रुपया में हम लोग आज पूरा दिन खाने वाले हैं, तो सस्ता में अच्छा खाना यहाँ मिल जाता है। चलिए दिखाते हैं कि 50 रुपया की थाली में क्या कुछ रहता है। साथ ही यहाँ पे आपको अंडा, मछली, मुर्गा भी मिलता है, पर आज हम लोग सादा खाना खाने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए सर लोग भी हैं यहाँ पे खा रहे हैं, कैसा लगता है सर खाना यहाँ का? खाना हम लोग दोपहर का
इसी एका होटल में ही खाते हैं और इनका खाना बहुत अच्छा टेस्टी रहता है, ये घर के खाने जैसा खाना बनाते हैं। अच्छा है ना, ठीक है सर। तो देख सकते हैं दोस्तों, सर लोग भी यहाँ पे खाते हैं, मतलब कि वाकई स्वाद अच्छा रहता है, आप लोग भी आ सकते हैं। चलिए हम लोग अब बैठते हैं खाने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं गर्मा गर्म चावल बन के तैयार है और यहाँ की थाली में आपको लगभग सब कुछ मिल जाता है। साथ ही यहाँ आलू की भुजिया रहेगी, सलाद रहेगा, एक तरह का सब्जी भी यहाँ पे हर दिन मिलता है, साथ में पापड़, दाल, अचार सब कुछ मिल जाता है, तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों हमारे पास में है 50 रुपये की थाली और आप देख सकते हैं काफ़ी साफ़ सुथरा है, काफ़ी अच्छे से है, भुजिया है, पापड़ है, सलाद भी है, सब्जी भी है, दाल भी है। और ये वीडियो हम लोग चैलेंज वीडियो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है लालपुर डंगरा टोली का जो एरिया है यहाँ बहुत सारे स्कूल कॉलेज हैं और स्कूल कॉलेज के बच्चों को दोपहर का खाना खाना होता है कम पैसे में, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो होगी, आप उनको ज़रूर शेयर करना है। चलिए इस खाने को फटाफट से ट्राई करते हैं और आपको स्वाद बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सादा खाना है यहाँ पे। एकदम भरपूर एक घर का स्वाद है, बहुत ही अच्छा खाना ये बनाते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास 35 रुपया बचा है, हम लोगों ने सुबह नाश्ता किया था 15 रुपया का, ये खाना था 50 रुपया का, अब हमारे पास 100 रुपया में से 35 रुपया बचा है जिसमें हमें रात का खाना खाना है और शाम की चाय भी पीनी है। तो चलिए इस खाने को ख़त्म करते हैं और सीधे मिलते हैं आपको शाम को, जहाँ पे आपको मिलेंगे एक गर्मा गर्म चाय के साथ। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं गर्मा गर्म चाय पीने के लिए, अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 35 रुपया बचा हुआ है जिसमें कि हम लोग चाय भी पियेंगे, रात का खाना भी खाना है, पता नहीं कैसे होगा लेकिन करना तो पूरा है। चैलेंज है हमारा कि हमें 100 रुपया में पूरा सुबह से शाम तक रात तक का खाना खाना है। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा लेमन टी मिलता है और ये जगह है पुरलिया रोड, यहाँ से जेवियर कॉलेज की दूरी 1 किलोमीटर की है और यहाँ पर जो अंकल है बहुत ही अच्छा नींबू चाय बनाते हैं। आपका नाम क्या है? अजय लेमन टी। क्या बोले? अजय लेमन टी। अजय लेमन, हाँ। कितने साल से यहाँ पे हैं आप? 10-12 साल हो गया। 10-12 साल, और आपकी चाय कितने कितने की है? 5 की है, 10 की है, बहुत सस्ता चाय है, बहुत फेवरेट बढ़िया चाय है। जी हाँ, जो नींबू का चाय होता है लेमन टी होता है बहुत ही अच्छा होता है, अगर आपको सर्दी जुकाम है तो भी ठीक हो जाएगी। और इनका पूरा मसालेदार टी होता है और आप देख सकते हैं बहुत ही गर्मा गर्म 5 रुपये की चाय हम लोग पी रहे हैं। तो अब हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 30 रुपया। चलिए एक गर्मा गर्म चाय के बाद सीधे मिलते हैं आपसे रात के खाने में। बहुत ही स्वादिष्ट चाय कहेंगे, एकदम मसालेदार चाय। आप चाय मैं दिखाना चाहूँगा आपको, काफ़ी अच्छा इसमें चाट मसाला के साथ ये चाय मिला है हमें, और इस शाम के साथ रांची का मौसम और ये चाय बिल्कुल बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। तो फिलहाल हम लोग इस चाय को ख़त्म करते हैं और सीधे मिलते हैं रात के खाने के लिए जिसके लिए बचे हैं सिर्फ 30 रुपये। तो दोस्तों अभी रात के 8 बज रहे हैं और अब हमारा डिनर का टाइम हो चुका है, हमारे पास बचा है सिर्फ 30 रुपया और इस 30 रुपया में हमें खाना है रात का खाना। तो अभी हम लोग आ चुके हैं HB रोड में, यहाँ पास में लालपुर थाना है और प्लाजा सिनेमा हॉल है, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सरदार फूड प्लाजा जहाँ बहुत सस्ता में खाना मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या 30 रुपया में यहाँ रात का खाना मिल पाएगा, तो आइए हमारे साथ। तो दोस्तों देख सकते हैं गर्मा गर्म पराठा बन रहा है, एक पराठा कितने का है? 10 का, 10 रुपया का है। तो ये बहुत अच्छी और सस्ती जगह है, अंदर आ जाओ। तो देख सकते हैं यहाँ पे चाइनीज़ भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है,
भैया रोटी मिल जाएगा, कितने का आएगा? रोटी 4 रुपये पीस है। 4 रुपये पीस है रोटी। तो दोस्तों ये जो जगह है बहुत ही अच्छी है, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो आज हमारे इस वीडियो से लालपुर एरिया में रहने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सबको मदद होने वाली है कि आप खाने के लिए कोई सस्ती जगह खोजते हैं तो आपके लिए जगह बहुत ही अच्छी है। और देख सकते हैं इधर पूरा चाइनीज़ का आइटम रखा हुआ है और यहाँ पे खाने का बहुत आइटम है। अच्छा हमारे पास 30 रुपया है भैया, 30 रुपया में खाना मिल जाएगा? हाँ 30 क्या 28 में हो जाएगा, 2 रोटी या सब्जी रहेगी। अच्छा 28 रुपया में हमें खाना मिल जाएगा, तो ये लीजिए भैया 30 रुपया है, सब्जी थोड़ा ज़्यादा दे दीजिएगा, 30 रुपया का पूरा। तो अभी हम लोग खाने वाले हैं 2 रोटी और सब्जी। सब्जी कौन कौन सा है? सब्जी आलू मटर है, मिक्स वेज होगा, मटर पनीर है, जो आप लीजिएगा वो ले सकते। ठीक है, और यहाँ पे लगता है आपका रुकने के लिए भी है ना? हाँ 299 में 24 आवर। तो ठहरने का भी व्यवस्था है, खाने का भी व्यवस्था है, हाँ, और 300 रुपया में सिर्फ। तो आइए हम लोग चलते हैं अंदर। तो दोस्तों देख सकते हैं वेज और नॉन वेज का पूरा यहाँ पे सेटअप है। क्या सब्जी है भैया? मिक्स वेज है। मिक्स वेज। मटर पनीर। मटर पनीर। आलू मटर। आलू मटर। दाल तड़का। दाल तड़का। अंडा। क्या है? सोयाबीन चिल्ली। सोयाबीन चिल्ली है। हमको ज़्यादा मत दे दीजिएगा नहीं तो बाकी कस्टमर खोजेगा तो फिर आपको ही बोलेगा। जितना आप 28 रुपया में दे सकते हैं उतना ही दीजिएगा, है ना? बाकी लोगों को भी इतना मिलेगा ना। तो दोस्तों देख सकते हैं 2 रोटी यहाँ पे मिल गई हमें। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा सब्जी मिल गया है और रोटी भी है। प्याज व्याज दे दीजिए। आइए हम लोग अंदर चलते हैं और बैठने का काफ़ी अच्छा व्यवस्था है, तो चलिए हम लोग बैठ जाते हैं खाने के लिए। तो दोस्तों देखिए अब हमारा खाना आ चुका है और ये हमें मिला है, देख सकते हैं। तो ये खाना आपको सिर्फ 28 रुपये में मिल जाएगा, तो आप भी यहाँ पे खाने के लिए आ सकते हैं। 2 रोटी है और इतने सारे सब्जी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, यहाँ पे चिकन भी खा सकते हैं आप, मछली भी खा सकते हैं। और चिकन आपको 60 रुपये में मिल जाएगी, 60 रुपये में चिकन थाली है ना, 60 रुपये में चिकन थाली है। वेज थाली आपको 40 रुपये में है और फिलहाल हमें रोटी सब्जी मिला है सिर्फ 28 रुपये में। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। 2 रुपये मैंने एक्स्ट्रा दिया इसलिए मुझे शायद थोड़ा सा सब्जी ज़्यादा मिला है। तो अब हम लोग खाना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों खाना शुरू करते हैं और ये रात का मैं थोड़ा हल्का ही खाना खा रहा हूँ, सब्जी बहुत सारा है हमारे पास, देख सकते हैं। सब्जी का टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है और पनीर भी मिला है। बहुत ही बेहतरीन जगह है दोस्तों, आप अगर कम पैसा में अच्छा खाना खाना चाहते हैं तो यहाँ बिल्कुल आ सकते हैं। हमें यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करना, खास करके लालपुर एरिया में रह रहे जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको ज़रूर भेजिएगा, उनकी बहुत मदद हो जाएगी कि कम पैसा में वो कहाँ अच्छा खाना खा सकते हैं। तो इस खाने को हम लोग करते हैं ख़त्म और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिएगा नीतीश एंड कुजीन।